हाय, आई एम नसीम। आज मैं आपको जूम क्लाउड मीटिंग के बारे में बताऊंगा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन आप लेक्चर जो है वो दे सकते हैं, बिजनेस मीटिंग कर सकते हैं, एट अ टाइम 100% जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से। सबसे पहले आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आप गूगल सर्च इंजन पर टाइप करेंगे जूम क्लाउड मीटिंग फ्री डाउनलोड, तो पहला ही लिंक जो है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो देखें ये ऑप्शन आएगा ऑटो डाउनलोड का। अगर नहीं आएगा, जैसे कि ये आ गया, अगर नहीं आता तो आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा। मैंने पहले से इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये जूम जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद, अच्छा जब ये ओपन होता है तो बाद अवकात ये होता है कि आप जो है किसी आईडी से साइन इन होना लाजमी है। अगर नहीं होता तो आप फेसबुक आईडी से साइन इन हो सकते हैं। तो शुरू में होता है ये कि आपको वेट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करता है और वहाँ पर आप जो है फेसबुक आईडी से लॉगिन होंगे और उसको जब आप क्रॉस कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये फेसबुक आईडी से लॉगिन हो जाएगा, या आप जीमेल अकाउंट से भी हो सकते हैं। तो फेसबुक आईडी से होना ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नज़र आ गए होंगे, न्यू मीटिंग और ज्वाइन। अच्छा, ज्वाइन हम तब करेंगे जब हम एज अ स्टूडेंट जो है वो बिहेव कर रहे होंगे, या फिर हम जो है एज अ गेस्ट जो है वो मतलब हम यूज़ कर रहे होंगे ये सॉफ्टवेयर। फर्स्ट का अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, ये ऑप्शन आएगा इंटर द आईडी और पर्सनल लिंक। तो ये आईडी जो है आपका जो होस्ट है ना जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा, वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो आप कनेक्ट हो जाएंगे आसानी से। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर पासवर्ड रिक्वायर्ड है तो पासवर्ड भी आपको होस्ट ही प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से अगर आप टीचर हैं, आप जो है मिसाल के तौर पर ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, या फिर आप जो है बिजनेस मीटिंग करना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप न्यू मीटिंग पे जाएंगे। अब न्यू मीटिंग पे जाने के बाद ये देखें, ये कैमरा ऑन है, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया आपने ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो पे क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो शेयर ना हो तो आप स्टॉप वीडियो कर देंगे। अगर आप चाहते हैं वीडियो शेयर हो तो आप जो है वीडियो पे स्टार्ट वीडियो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ इसको म्यूट नहीं करना, आप अगर चाहते हैं साउंड ना जाए तो फिर आप इसको म्यूट कर देंगे, अनम्यूट कर दिया मैंने। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर आप कोई टीचर आप कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, शेयर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। अभी चूंकि मेरी वॉइस और वीडियो दूसरी तरफ जा रही होगी जो भी मुझसे कनेक्ट होगा, अगर मैं उसको अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं कोई प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ तो मैं स्क्रीन शेयर करूँगा। अब अगर मैं ये वाली स्क्रीन शेयर करूँगा तो मेरे लैपटॉप पे जो जो एक्टिविटी हो गई होगी वो सब जो है सामने जो भी कनेक्ट होगा उसको नज़र आ रही होगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ उसको सिर्फ एक ही विंडो नज़र आए, जैसे कि मैंने पावर पॉइंट विंडो खोली हुई है, तो उसको सिर्फ पावर पॉइंट ही नज़र आएगा। अगर मैं पावर पॉइंट को मिनिमाइज़ भी कर दूँगा तो भी उसको मेरे कंप्यूटर पर दूसरी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल के तौर पर समझा, ठीक है, मैंने एक डॉक्यूमेंट खोला है तो मैं क्या करूँगा, स्क्रीन शेयर करूँगा। अब स्क्रीन शेयर पे अगर मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, अगर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मेरे कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटी होगी वो सब शेयर होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ही शेयर होगा। तो मैं इसको शेयर पे डाल रहा हूँ। अब सामने जो कोई भी बैठा होगा उससे ये शेयर होगा, साथ में मेरी वीडियो भी जो है ये लैपटॉप से जो बन रही है वो नज़र आ गई होगी। ठीक है, अब अगर मैं कंप्यूटर पे कोई और दूसरा काम करता हूँ, अब ये स्क्रीन सामने किसी को नज़र नहीं आएगी, उसको सिर्फ और सिर्फ वही स्क्रीन नज़र आएगी जो मैंने शेयरिंग पे डाली है, ये वाली स्क्रीन। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप लेक्चर दे रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, और अगर मिसाल के तौर पर कोई इंटरप्ट होता है दरमियान में तो पॉज का ऑप्शन इसी जगह पर आ जाता है, आप इसको पॉज करेंगे और फिर बाद में वहीं से आप कंटिन्यू करेंगे। जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आप ऑटो इस सॉफ्टवेयर एंड मीटिंग करेंगे, एंड सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टॉप शेयरिंग करेंगे, एंड मीटिंग करेंगे,
एंड मीटिंग करने के बाद आप थोड़ा सबर करेंगे, ऑटोमेटिक ये आपकी जो रिकॉर्डिंग है उसको MP4 में कन्वर्ट कर रहा होगा, और कन्वर्ट करने के बाद ऑटोमेटिक जूम का एक फोल्डर बना के वो आपके सामने अपेयर हो जाएगा। अगर आपके सामने अपेयर नहीं होगा तो आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे कंप्यूटर के, तो वहाँ आपको वो नज़र आ जाएगा।